नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे आलू बैंगन की सब्ज़ी, जो बिहार में बहुत अच्छे से बनाई जाती है और इसे बनाया जाता है सरसों के साथ। तो इसके लिए लिया है मैंने, दो मेरे पास बैंगन थे और आलू, और इसे अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और इसको पानी में डाल के हम लोग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि बैंगन में जो भी कड़वापन होता है वो निकल जाए। तो पानी डाल के आप इसे 5 मिनट ज़रूर से छोड़ें और इस तरीके से अच्छे से वॉश करने के बाद हम लोग चलते हैं मसाले की तरफ। तो मसाले में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लिया है मैंने सरसों मैंने 1 चम्मच डाली है और है इसमें हरी मिर्च और लहसुन और 3 टमाटर है मेरे पास जिसको मैंने रफली चॉप कर दिया है अच्छे से चॉप करके और इसे ग्राइंडर में मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद हमारे मसाले जो हैं बिल्कुल रेडी हैं क्योंकि सारे मसाले बस यही हैं जो हमें इसमें यूज करने हैं। तो इस तरीके से मसाले बिल्कुल अच्छे से पीस के रेडी हुए हैं दोस्तों। तो चलते हैं सब्ज़ी बनाने की ओर। मैंने कढ़ाई को गर्म कर रखा है, इसमें डाला है तेल और ये है इसमें तड़का देने के लिए मैंने पंचफोरन का यूज किया है। पंचफोरन इस सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छा से स्वाद लेकर आता है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, लेकिन आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर ही मैंने डाल दिए ये सारी सब्जियाँ जो हमने काट के रखी थी, आलू और बैंगन जो है एक साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हम लोग भुनेंगे। दोनों को एक साथ भुनेंगे तो इसमें स्वाद बहुत अच्छा से आता है। और इसमें डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक जब इसमें डालेंगे थोड़ी देर भुनने के बाद तो सब्जियां जो है अपने से अच्छे से गलना शुरू हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा सा टेस्ट लेकर आएंगी। और इसके साथ ही हम लोग डाल देंगे मसाले। मसाले जो हमने सारे एक साथ ही पीस के रखा हुआ था तो हमें इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी तरीके से हम लोग मसाले भून लेंगे। तो इस तरीके से मसाले को भूनते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले जो हैं बिल्कुल अच्छे से भुन गए हैं। तो मसाले जब अच्छे से भुन जाएं दोस्तों तो आप इसे बिल्कुल गैस को स्लो फ्लेम पे करके और इसे ढक दीजिए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करके आप इसे छोड़ दें तो ये 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से आलू जो है पक के तैयार हो जाएंगे और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है आपकी। तो देखिए मेरे आलू जो हैं बिल्कुल पक चुके हैं और सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए किस तरीके से, देखिए ये आलू जो है बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। तो इस तरीके से सब्ज़ी को अच्छे तरीके से आप चला लीजिए और बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करें कि सब्ज़ी आपको कैसी लगी है। तो इस तरीके से हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल रेडी है और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं डाला है, बिल्कुल ये खुद के पानी में और वेपर में पके हैं। तो सब्ज़ी जो है बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से। बिहारी स्टाइल में सब्ज़ी जो है बैंगन की सरसों वाली इस तरीके से ही बनाते हैं। आप बैंगन की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। तो एक बार इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।